दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों अगर आपको भी तीसरे T20 में भारतीय टीम की धमाकेदार जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, दीपक चहर हैट्रिक के साथ 6 विकेट व शिवम दुबे 3 विकेट की बेहतरीन गेंदबाजी और श्रेयस अय्यर 62 व KL राहुल 52 की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने तीसरे व आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम किया। इस साल घरेलू सरजमी पर भारतीय टीम की यह पहली T20 सीरीज जीत है। आपको बता दें, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम निर्धारित ओवर में 144 रन बना सकी और मैच हार गई। भारत के 175 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत अच्छी तो रही, मगर तीसरे ओवर में बांग्लादेश के 2 लगातार विकेट गिर गए। तेज गेंदबाज दीपक चहर ने इस ओवर की चौथी गेंद पर लीटन दास 9 को और 5वीं गेंद पर सौम्य सरकार 0 को अपना शिकार बनाया। इसके बाद मोहम्मद नईम ने मोहम्मद मिथुन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। 12.6 ओवर में दीपक जैन ने मोहम्मद मिथुन 27 को KL राहुल के हाथों कैच आउट कराया। मिथुन और नईम के बीच तीसरे विकेट के लिए 98 रन की शानदार साझेदारी हुई। इसके अगले ओवर की अगली गेंद पर शिवम दुबे ने मुशफ्फिकुर रहीम 0 को बोल्ड कर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला विकेट हासिल किया। इसके बाद बांग्लादेश की टीम के धड़ाधड़ विकेट गिरते गए। बांग्लादेश की तरफ से सर्वाधिक रन मोहम्मद नईम ने बनाए। नईम ने 48 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 81 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली।